Dear students welcome back and here we are going to start the new lesson at Tiger in the house from class 7th let's read supplementary english Textbook by jk bose this lesson is actually a short story and it has been written by ruskin bond who is an anglo-indian writer तो ये जो लेसन है ये एक एंग्लो इंडियन राइटर जो है रस्किन बॉन्ड उसने लिखी है जो एंग्लो इंडियंस असल में वो अंग्रेज़ थे जिन्होंने हिंदुस्तान में ही रहने को प्रेफर किया तरजीह दी एवन आफ्टर 1947 जब 1947 में अंग्रेज़ यहाँ से चले गए तो कुछ ऐसे ब्रिटिशर्स थे ऐसे अंग्रेज़ थे ऐसे जो गोरे थे वो डिसाइडेड टू स्टे हियर इन इंडिया जिन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी जो है वो यही इंडिया में ही गुजार दी उनमें एक रस्किन बॉन्ड भी था तो दैट्स इस वाई ही इज़ एन एंग्लो इंडियन राइटर एंड ही प्रेजेंटली लिव्स इन देहरादून आजकल वो देहरादून में रहता है और अभी वो काफ़ी उम्र रसीदा हैं ऑलमोस्ट एटी टू नाइन्टी ईयर्स ओल्ड हैं तो उसी ने यह लेसन लिखी है ए टाइगर इन द हाउस जब एक घर में एक टाइगर को लाया जाता है एक टाइगर को पालतू किया जाता है उसको टेम किया जाता है तो लेसन का जो टाइटल है वो यही है अ टाइगर इन द हाउस लेकिन लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपनी व्यू दे ताकि जो और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज हैं वो भी आप तक पहुँच सके देखिए लेसन का जो टाइटल है अ टाइगर इन द हाउस और लेसन की जो शुरुआत है जो यहाँ पर एक प्रॉब्लम सा दिया गया है कुछ यहाँ पे इशारे दिए गए हैं ग्रेंड फादर फाइंड से टीनी टाइगर कब इन द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग्स इन होम इस फैमिली में जो एक ग्रैंड फादर होता है जो एक दादा होता है वो एक छोटे से टाइगर कब को फॉरेस्ट में देखता है जंगल में देखता है शेर के बच्चे को एंड ब्रिंग्स इन होम और उसको घर लेके आता है ग्रैंड मदर कॉल्स हिम टिमोथी एंड ब्रिंग्स हिम अप लाइक ए ह्यूमन चाइल्ड जो ग्रैंड मदर हैं जो दादी हैं वो इस टाइगर का जो नाम है उसका जो टिमोथी नाम देती है इसको एंड ब्रिंग्स हिम अप लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड और इसकी जो परवरिश है उसकी जो देखभाल है वो एक इंसानी बच्चे की तरह करती है टिमोथी इस प्लेफुल टिमोथी जो है वो बड़ा प्लेफुल है खुश मिजाज है दूसरों के साथ खेलना इसको बड़ा अच्छा लगता है एंड नॉट ही और बड़ा शरारती है इस कम्पेनियनज़ आर इसके जो कम्पेनियज़ हैं घर में जो साथी हैं दैट्स टोटो एक तो टोटो तो तो है द मंकी जो एक बंदर है uh, भी एक पिल्ला है कुत्ते का बच्चा है एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड और घर में जो दूसरे मेंबर्स हैं फैमिली मेंबर्स हैं वो भी इसके साथ खेलते रहते हैं तो ये लेसन के बारे में यहाँ पे एक आइडिया दिया गया है कि जो ये टाइगर हैं इसके घर में इसके आसपास जो इसका एटमॉस्फेयर है या जो जो इसमें घर में एक फैमिली जिसमें ये रहता है वो कैसी है टिमोथी द टाइगर डिस्कवर्ड बाई ग्रेंड फादर इन द टेराई जंगल नियर देहरा ये जो टिमोथी है इसको जो ये असल में टाइगर कब है इसको जो डिस्कवर किया है ग्रैंडफादर ने वो किया है तराई में तराई हम कहते हैं जो लोअर हिमालयन जो लोअर हिल्स हैं हिमालयन माउटेंस के या हिमालय रीजनस के उन्हीं को तेरा या तराई कहा जाता है जो फुट हिल्स हैं इसके जो छोटे छोटे पहाड़ हैं शुरुआत में तो वो ज़्यादातर वो सवाना टाइप हैं या वो मैदानी टाइप की जो हिल हैं तो उन्हीं को तराई कहा जाता है नियर दहरा देहरा एक जगह है प्रहप से देहरादून का ही उस टाइम का नाम था तो उसी जगह जो ग्रैंड फ़ादर हैं इसने इस टाइगर कब को डिस्कवर किया उसने इसको खोज लिया स्टोरी की जो शुरुआत होती है वो इस तरह से होती है असल में वन डे वन ग्रेंड फादर वाउन द फॉरेस्ट पाथ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी ही डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर अबाउट एटीन इंचज लॉन्ग हाइडिंग एमंग द इंटरग्रेट रूट्स ऑफ अ बनियॉन ट्री असल में जो ये दादाजी हैं ये एक टाइम पे इस जंगल में से स्ट्रॉल कर रहे थे इसमें से घूम रहे थे वनडरिंग डाउन द फॉरेस्ट पाथ इस रास्ते पे जा रहे थे जो जंगल में से जा रही थी सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी और जो इसके साथी थे पार्टी ने जो शिकार करने के लिए शिकार खेलने के लिए ये अपने साथियों के साथ गया था वो इससे कुछ दूर थे ये डिस्कवर्ड ए लिटिल टाइगर उसने वहाँ पे एक छोटे से टाइगर को देखा एक बच्चे को देखा शेर के बच्चे को अबाउट एटीन इंच लॉन्ग जो तकरीबन एटीन इंच, अठारह इंच लंबा था हाइडिंग एमेंग द इंटरकेट रूट ऑफ ए ट्री जो वो ट्री के जो रूट्स होते हैं जो इसके रूट्स uh, होते हैं दे आर इंट्रिकेट वो बड़े पीचीद से होते हैं आपस में वो uh, उलझे हुए इं, इंटरवाइनर जिसको आप कहते हैं तो इन्हीं इंटरकेट रूट्स में इन्हीं पीचीद जड़ों में जो ये टाइगर का जो ये बच्चा था ये बैठा हुआ था और जो ग्रैंड फ़ादर था इसने उसी वक्त इसको देख लिया था उसी टाइम इसको देख लिया था ग्रैंड फादर पिकड़ हिम आप जो ये दादाजी हैं इसने इसको उठाया एंड ब्रॉट हिम होम और सीधा घर लेके आया ही हैज द डिस्टिंगशन ऑफ बींग दौनली मेम्बर ऑफ द पार्टी टू हैव एनी गेम डेड और एलायो ग्रैंडफादर की ये खसूसियत थी इसकी ये ख़ासियत थी एक क्वालिटी थी कि जब भी वो शिकार खेलने अपने साथियों के साथ जाता था इस पार्टी के साथ वो ज़रूर वहाँ से कोई ना कोई जानवर डेड और एलायो ज़िंदा या मुर्दा लेके आता था चाहे दूसरे कुछ ना पकड़ सकते थे लेकिन ग्रैंडफादर कभी भी खाली इस शिकार से नहीं आता था एट फर्स्ट द टाइगर कप वॉज नीम टिमो थी बाई ग्रेंड मदर तो पहले जब ये टाइगर कप को घर में लाया गया इस शेर के बच्चे को तो जो ये दादी थी इसने इसका नाम टिमोथी रखा वॉज ब्रॉट अप एंडली ऑन मिलक तो पहले पहले इसके जो जो इसको खाने पीने के लिए सिर्फ जो दूध दिया जाता था फीडर के तौर पे गिवन टू हिम इन फीडिंग बोटल बाय आवर कुक जो इस घर में कुक था महमूद तो वही उसको फीडिंग बोतल में जैसे बच्चे को बोतल में दूध देते हैं वैसे ही इस टाइगर को भी पहले पहले ये दूध दिया गया बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम लेकिन जो ये दूध था ये कुछ ज़्यादा ही महंगा साबित हुआ दैट मीनस ज़्यादा इसमें खर्चा आता था एंड ही वॉज पुट ऑन अ डाइट ऑफ मटन अब इसके बदले में इसका जो डाइट रखा गया जो खाना पीना था वो राम मटन जो भेड़ का, या बकरे का होता है, और लिवर असल में एक मछली है, है, है या अस्थमा होता है ऐसे पेशेंट इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वैसे ही इसके लिए भी यही कॉड लेवर ऑयल जो है ये लाया गया टू तो बी फॉलोड लेटर बाई अ मोर अटैम्पिंग डाइट ऑफ पिजन एंड रैबिट्स जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो इसका जो डाइट है इसमें चेंज लाई गई अब इसके खाने के लिए जो पिजन्स कबूतर या मुर्गे एंड रैबिट्स जो खरगोश होते हैं तो इस तरह के जानवर भी इसके लिए लाए गए टिमोथी वाज प्रोवाइडेड विद टू कम्पेनियन जो ये टिमोथी था इसके साथ में दो और कम्पेनियंस इसके साथ रखे गए दो और साथी इसके साथ डाले गए दैट्स टोटो द मंकी टोटो था जो मंकी mm -hmm. था वॉज बोल्ड एंड टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल ये जो मंकी था ये बड़ा बोल्ड था बड़ा बहादुर था कभी कभी ये इस टाइगर का जो टेल जो है दुम जो है वो खींचता था एंड देन क्लाइम ऑफ द कटेज़ इफ़ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर और अगर उसको लगता है कि इस शेर को ज्यादा गुस्सा आ गया है या इसका जो टैम्पर है वो खराब हो रहा है इसका मिजाज खराब हो रहा है तो जो ये टिमो जो ये टोटो तो था ये जो वो जो होते हैं या पर्दे होते हैं तो इन पे चढ़ जाता था इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर एंड एंड ए स्मॉल मोंगरिल पपी और साथ में एक जो मोंगरिल मोंगरिल जो हम कहते हैं जो आवारा फिरने वाले जो कुत्ते होते हैं तो वहीं से जो एक पपी लाया गया वो भी इसके साथी के तौर पे रखा गया फाउंड ऑन द रोड बाय द ग्रैंड फादर जो ग्रैंड फादर ने एक दिन रोड पे इस छोटे से इस पपी को इस कुत्ते कुत्ते के बच्चे को देख लिया था तो उसको भी इसका साथी बनाया गया एक तो बंदर इसका साथी था और दूसरा ये पपी था एट फर्स्ट टीम थी एपियर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी तो पहले पहले जो ये टाइगर था ये इस पपी से इस कुत्ते के बच्चे से पिल्ले से बहुत आ, डरता था एंड डॉटर बैक विद केम टू नियर और अगर ये जो कुत्ते का बच्चा इसके नज़दीक आता था तो वो एकदम से छलांग लगा के पीछे हट जाता था ही वुड मेक एक एब्सर्ड डैश एट इट विद हिज लार्ज फोर पाज वो अपने बड़े पंजू से इसके ऊपर वो डैशेस वो लकीरी से डाल देता था निशान से डाल देता था एंड देन रेट रेडिकुलसली सेफ डिस्टेंस और फिर बड़ी रेडिकुलसली बड़े अजीब अंदाज में वो इससे काफ़ी दूर सेफ डिस्टेंस पर चला जाता था फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज़ बैक एंड रेस्ट दिया लेकिन धीरे धीरे इनमें एक जो एडजस्टमेंट आती एडजस्टमेंट आती गई ये एक दूसरे के साथ मानोस हो गए और फिर जो ये पपी था कुत्ते का बच्चा ये इसके ऊपर क्रॉल करता था इस टाइगर के ऊपर चढ़ जाता था ऑन हिज़ बैक एंड रेस्ट दियर इसके जो पीछे बैठ दे जाता था इसके बैक पर और वहीं पर रेस्ट करता रहता था वन आफ्टी मोथ इज़ फेवरेट एम्यूजमेंट वॉज स्टॉक एन इवन हु वुड प्ले हिम तो टिमोथी का जो एक फेवरेट जो एम्यूजमेंट था जिस काम में इसको बड़ा मजा आता था वो ये था वॉज टू स्टार्क एन ईवन हु वुड प्ले विद हिम जो भी इसके साथ खेलने आता था तो उसके साथ ही स्टार्क करता था स्टॉलक मीनज ये बड़ी स्टिल थली बड़ी खामोशी से बड़ी सुरत के साथ तो उसके नज़दीक जाता था उस बंदे की वो वुड प्ले विद हिम जो इसके साथ खेलता था एंड सो वैन आई केम टू लिव विद ग्रैंड फादर और यहाँ पे जो राइटर है या जो यहाँ पे नरेटर है वो कह रहा है कि जब मैं अपने ग्रैंड फ़ादर के साथ रहने के लिए आ गया आई बिकेम वन ऑफ टाइगर्स फेवरेट्स तो मैं जल्दी ही इस टाइगर का एक फेवरेट एक पसंदीदा जो साथी बन गया विद अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आइज इसकी आंखों में एक क्राफ्टी लुक था दैट मीन एक कैनिंग, या जिसको आप कहते हैं वाइली स्किलफुल डिसीविंग या एक शरारती या एक बड़ा एक कनिंग जो इसकी आंखों में एक लुक थी इसकी चमकीली आंखों में एंड हिज बॉडी क्रॉचिंग इसका जो बॉडी था जो टाइगर है वो अपने आप को बैंड करता है शिकार के टाइम फिर बड़ी खामोशी से अपने शिकार पे वो झपट मार देता है तो वैसे ही ये करता था ही वुड क्रीप क्लोजर वो रेंग के मेरे नज़दीक आता था एंड क्लोजर टू मी और बिल्कुल ही नज़दीक आता था सडनली मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट और फिर अपने इन पंजू से मेरे

और इस टाइम तक आते आते इसका साइज़ एक रटरीवर दैट मीन जो एक बड़ा कुत्ता होता है रटरीवर एक ब्रीड़ होती है कुत्तों की ट्रेन टू रेटरी गेम इन हंटिंग वो जो शिकारी कुत्ते होते हैं उसमें वो इस्तेमाल होते हैं दैट मीनस एक अच्छे खासे जो बड़े कुत्ते सा, के साइज़ का इसका साइज़ बन चुका था एंड वन आई टूक हिम आउट फॉर वॉक्स और जब मैं कभी कभी उसको बाहर वॉक्स के लिए ले जाता था पीपल ऑन द रोड विद गिव अस अ वाइड बर्थ लोग हमसे हमारे लिए जगह छोड़ देते थे लोग साइड में हो जाते थे क्योंकि वो उससे डरते थे वैन ही पुल्ड हॉर्ड ऑन हज चैन और जब वो कभी कभी अपने इस चेन इस पट्टे पे जोर लगा देता था आई है डिफिकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम मुझे बड़ी मुश्किल आती थी उसको कंट्रोल करने में उसको काबू करने में इज़ फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राॅइंग रूम घर में सबसे जो फेवरेट जगह थी इसकी वो था ड्राइंग रूम दैट मीन लिविंग रूम जो होता है बैठक जो होती है एंड ही वुड मेक हिम कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफ़ा और वो बड़े ही आराम में बैठ दे बैठता था ऑन द लॉन्ग सोफ़ा जो एक लंब, लंबा सा वो सोफ़ा था रिक्लाइनिंग दी आर विद ग्रेट डिग्नी बड़ी शान से टेक लगा के बैठता था एंड स्नार्ट एनी गेट हिम ऑफ और जो भी इसको वहाँ से हटाने की कोशिश करता था तो ये इस पर स्नारल करता था स्नारल मीन ग्राउल oh. दहाड़ना तो इस तरीके से ये जो टाइगर है ये बड़ा होता गया टिमोथी हेड क्लीन एपट्स इसके जो आदा थे वो बड़े साफ़ सुथरे थी वो वो चेहरे को अपने इन पंजू से, अपने अपने को को साफ करता रहता था। जैसे exactly like एक करती रात जो है, जो जो कुक है, उसके जो है, उसकी जो रिहाइश थी तो वहीं पर वो सोता था एंड लेट आउट इन द मॉर्निंग और सुबह इसको बड़ा मजा आता था जब ये कुक उसको बाहर ले जाता था सोडियर स्टूडेंट्स यहाँ तक तो, तो हमने देख लिया है इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा इसको शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी व्यू दें ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके